दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आयुर्वेद की विशेषता है कि इसमें सामान्य से सामान्य दिखने वाली चीजों के औषधीय गुणों को भी पहचाना गया है। पानी की दुर्लभ औषधीय क्षमता ऋषि मुनियों की सूक्ष्म दृष्टि से अछूती नहीं रही है। गर्म पानी में भी अनेकों औषधीय गुण होते हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आयुर्वेद में बताए गए गर्म पानी के खास गुण व इसे पीने से होने वाले फायदों के बारे में। पानी एक दवा है, ये कई रोगों को दूर करने में काम आती है, इसलिए सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। जब उबलते हुए पानी में जाग आना बंद हो जाए, पानी आधा बचे और साफ हो जाए तो ऐसे पानी को आयुर्वेद की भाषा में उष्णेदक कहा जाता है। ये पानी आयुर्वेद के अनुसार शुद्ध माना जाता है। इसे ठंडा करके या हल्का गुनगुना पीने से अनेक लाभ होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस पानी को पीने से क्या लाभ होते हैं। उबालकर ठंडा किया गए पानी को पीने से कई रोग दूर होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक समस्या, बवासीर, क्षय रोग, पेट के रोग, सूजन, भूख न लगना, जुखाम इत्यादि इस पानी को पीने से दूर होते हैं। ये कफ से संबंधित अनेक बीमारियों का नाश करता है। अपच, अफरा, सिर दर्द आदि बीमारियों से इस पानी को पीने से राहत मिलती है। खांसी, दमा व अन्य समस्याएं भी इस पानी को पीने से दूर होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले लोगों को ठंडे पानी की जगह पे गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से भूख तेज लगती है। खाने के बाद गुनगुना पानी पीने से मोटापा कम होता है। अगर इस पानी को खाने के बाद पीते हैं तो मोटापा कम होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस पानी को कब नहीं पीना चाहिए। बुखार हो अगर आपको तो ये पानी आप सेवन मत करें। शरीर में जलन होने पर इस पानी का सेवन नहीं करना है। चक्कर आने पर या दस्त आदि की समस्याओं में इस पानी से परहेज करें। गर्मी के मौसम में गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इस पानी का आप सेवन कैसे कर सकते हैं। सुबह बिस्तर से उठते ही बिना मुंह धोए चार बड़े गिलास ये पानी आप पी सकते हैं। अगर चार गिलास पानी न पी पाए तो कम से कम दो गिलास पानी जरूर पिए। यदि सुबह पिया जाने वाला पानी अगर रात को तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो वो काफी लाभदायक होता है। विशेष जानकारी दोस्तों, पानी को उबालते हुए जब उसका एक चौथाई हिस्सा जल जाए या तीन भाग पानी बच जाए तो ऐसे पानी को पीने से अधिक लाभ होता है। गर्म पानी हमारे शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त, कफ का नाश करता है। दोस्तों ये था गर्म पानी को गुनगुना करके अगर हम पीते हैं तो हमें क्या फायदा हो सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।